लंबे इंतजार के बाद विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ सब आधुनिक सुविधाओं के साथ खुलने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू काम पूरा होकर अब स्वागत करने के लिए तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के सपनों में से एक था ये प्रोजेक्ट, तो फिर देर भी क्यों करनी। पीएम मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। 8 सितंबर ही वो तारीख है जब पीएम मोदी अपने शुभ कर कमलों से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और 9 सितंबर से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक का हिस्सा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। पैदल चलने के रास्ते को ज्यादा चौड़ा किया गया है और लॉन को भी रीडिजाइन किया गया है, जिसमें चारों तरफ हरियाली वाला लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्पेस और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रास्ता पार करने के लिए कुछ जगहों पर खास डिजाइन के अंडरपास भी बने हैं। साथ ही फाउंटेन एरिया को देख आप मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। सोचिए, पूरे 20 महीने का लंबा वक्त लगा है और उसके बाद ये मौका आया है जब इसे उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए खोला जाएगा। हालांकि उद्घाटन के दिन आम लोगों को इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस रास्ते को बंद किया जाएगा और फिर 9 सितंबर को खोला जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और खास बात ये है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम देख रहे CPWD ने इस पूरे इलाके में कुल 5 वेंडिंग जोन बनाए हैं, जिनमें 40 विक्रेताओं को ही परमिशन दी जाएगी। कोई भी लॉन में या रास्ते में सामान नहीं बेच सकेगा। आम लोगों को भी इंडिया गेट में खाने पीने की मनाही होगी ताकि इसे साफ सुथरा रखा जा सके। इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक्स होंगे और दोनों में 8-8 दुकानें होंगी। इन दुकानों में अलग अलग राज्यों के पकवान बेचे जाएंगे। वहीं क्योंकि इसको पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, तो फिर आज की तकनीक का भी इसमें भरपूर ख्याल रखा गया है। नए सिरे से डिजाइन इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, जिनमें हाईटेक लाइटें और कैमरे लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी अच्छी खासी संख्या में तैनाती दी गई है। साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी इस पूरे परिसर को गंदा न कर पाए। पुनर्विकास के तहत कुल नहर क्षेत्र की 19 एकड़ भूमि का जीर्णोद्धार किया गया है। पूरे खंड में कुल 16 पुल हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति भी होगी। पूरे इलाके में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच हैं, 900 से ज्यादा प्रकाश स्तंभ हैं और पैदल यात्रियों के लिए 4 अंडरपास भी बनाए गए। तो अब इंतजार हुआ खत्म और अब बस 2 दिन का और इंतजार और उसके बाद पीएम मोदी करेंगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन और इसके ठीक अगले दिन से ये आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और जो खास बात जानकर आपको थोड़ी ज्यादा खुशी होगी वो ये कि शुरू के 1-2 महीने में एवेन्यू की पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगी, जहां लगभग 1200 कार और 40 बस की पार्किंग की व्यवस्था है। अब आप हमें बताइए कि आप सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और अब जब तारीख भी पता चल गई है तो कब जा रहे हैं पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का लुत्फ उठाने।